दिस इज रीत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कैसे आधार पीवीसी कार्ड को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो आधार पीवीसी ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप उस पर क्लिक करके सीधा डायरेक्ट आप आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा नीचे, देखिए नीचे एक ऑप्शन है ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, तो इसमें आपको क्लिक करना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आधार पीवीसी कार्ड क्या होता है। आधार पीवीसी कार्ड एक ऐसा कार्ड है, जैसे आधार कार्ड तो आपको जो मिलता है वो एक आधार लेटर मिलता है बड़ा वाला, तो आधार पीवीसी कार्ड जो है वो आपको पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस की तरह एक छोटा सा कार्ड मिलेगा। इसमें आपको बहुत सारा सिक्योरिटी फीचर्स भी मिलता है। तो देखिए यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कि आधार पीवीसी कार्ड में आपको क्या क्या सिक्योरिटी मिलता है, और उसको आप अप्लाई करने के लिए आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा आधार नंबर, तो मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद इस कैप्चर को फिल कर देता हूँ। उसके बाद देखिए अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको किसी भी नंबर से आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा तो नंबर रजिस्टर्ड है, तो मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे आधार कार्ड का ओटीपी पुट करना है, उसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो देखिए आपको पूरा डिटेल्स में आपका आधार कार्ड में जो जो डिटेल्स दिया गया है वो सब पूरा यहाँ पे आ जाएगा। आपको उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन है, आप कार्ड के मदद से भी आप पेमेंट कर सकते हो, और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, और UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं चूज कर लेता हूँ UPI। UPI चूज करने के बाद देखिए गूगल पे, फोन पे, वीम, अमेजन पे, आपका जो मर्जी से आप पेमेंट कीजिए। तो मैं ले लेता हूँ गूगल पे। यहाँ पे गूगल पे ID डालना पड़ेगा। तो देखिए अभी प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल पे के एप्स में जाना है। मेरा पेमेंट हो चुका है, देखिए मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है। उसके बाद पेमेंट रिसीप भी मुझे मिल चुका है। ये है रिसीप्ट नंबर को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड पेमेंट रिसीप्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ये पेमेंट रिसीप्ट डाउनलोड हो जाएगा। साथ में अपने मोबाइल नंबर पे एक SMS आ जाएगा, जिसमें आपको SMS में दिया जाएगा कि SRN नंबर एक है, जिस SRN नंबर से आप इस आधार कार्ड जो आपने ऑर्डर किया उसको ट्रैक कर सकते हो, आपके एड्रेस पे पोस्ट हो चुका है कि नहीं आप चेक कर सकते हो। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ आप कैसे इस आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी अगर आप चेक करना चाहते हो कि आधार पीवीसी कार्ड आपका स्टेटस क्या है, तो आप स्टेटस चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे चेक आधार पीवीसी कार्ड स्टेटस। उसके बाद आपको यहाँ पे SRN नंबर डालना पड़ेगा जो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के जरिए दिया गया है। 28 कैरेक्टर्स का होगा SRN नंबर, तो उसको आप यहाँ पे पुट करोगे। उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैप्चर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, और चेक स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपको स्टेटस शो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।